दोस्तों, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको ग्रुप ए के छात्रों के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व कराने वाले हैं, जिसे आप परीक्षा से पहले अवश्य देख कर जाएँ, जो कि आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में आपका 100% साथ देंगे। आज हम आपको टोटल 100 प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें से आपको हो सकता है 20 से भी अधिक प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, एक मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं ये आपको बताना है। तो इस जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, हो सके तो इसे आप नोट भी करते चलिए। एक मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं 6×10⁻⁷ माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। एक जीवाणु का जो आकार है वो 1 माइक्रोन है, और आपको पता होगा जो 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁰ मीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और जो 1 माइक्रोन होता है ना, वो होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर। आपको पूछा हुआ है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या क्या होगी, तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁶ आपका 6 होता है, सॉरी 10 होता है आपका एंगस्ट्रॉम, यानी मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 माइक्रोन में आपका होता है 10⁻⁶ मीटर। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10⁴, जो कि 1 माइक्रोन में 1 एंगस्ट्रॉम का मान होगा। तो 10⁴ जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एंगस्ट्रॉम जो है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन जो है ये ताप का मात्रक है, ताप का जो है मात्रक वो केल्विन है। इसके साथ साथ सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सभी ताप के ही मात्रक हैं। वहीं ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो कैंडिला का मात्रक होता है। लीटर किस पद्धति का मात्रक, तो लीटर जो है ये मीटरी पद्धति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एम्पियर जो कि विद्युत धारा का मात्रक है, ये मात्रक है किस पद्धति में। तो जो विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर है, ये मात्रक जो है ये SI पद्धति का मात्रक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपके ये प्रश्न बिल्कुल याद रख लेना है, बिल्कुल रट लेना है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है। वर्नियर कैलिपर जो है इसका अल्पतमांक कितना होता है, तो वो होता है 0.02 मिलीमीटर। क्या होता है, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि आपको सेम यही प्रश्न मिलता है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कुल 10⁻⁡ माइक्रोन होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। 10⁻⁡ माइक्रोन का जो सिंबल होता है वो किस इस प्रकार बनता है। अगला प्रश्न है, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सुग्राही संयंत्र जो होता है से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, तो इसका कारक है कि इसका सार्थक अंक जो है ये अधिक है। जो सुग्राही संयंत्र होता है इसका, इससे मापन करने पर इसकी शुद्धता जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका कारण है कि इसका सार्थक अंक जो है ये अधिक होता है। दोस्तों, सार्थक अंक और कोटिमान, इससे आपके क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में हमने आपको हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, चले जाइए,
आपको जो पहली वाली वीडियो हमारी है, सबसे फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने पूरे मापक के चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसमें आपको कोटिमान, सार्थक अंक बहुत ही अच्छे समझाया गया है, और इसके साथ साथ जो त्रुटि विश्लेषण से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य का CGS मात्रक क्या है? कार्य का वैसे SI पद्धति में मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ये आप जानते होंगे, पर कार्य का जो CGS पद्धति में मात्रक पूछा हुआ है, तो कार्य का मात्रक CGS पद्धति में होता है अर्ग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा अर्ग होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? वो भी CGS। तो बल का SI मात्रक तो आप जानते हैं न्यूटन होता है, पर बल का CGS मात्रक इसमें पूछा हुआ है, CGS मात्रक, तो बल का CGS मात्रक जो होता है वो होता है डाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा डाइन होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद करना है कि एक डाइन जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है, इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैद्युत विभव का MKS पद्धति में मात्रक क्या है? वैद्युत विभव का, तो वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक क्या है? निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है कौन सा है? तो देखिए, दूरी का मात्रक आपको पूछा हुआ है, तो क्या मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, न्यूटन होगा, या फिर फुट होगा? तो इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आपको गलत लग रहा होगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, ठीक है? तो आपका जो मीटर है ये भी दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक, ये फुट जो है इसको भी हम दूरी में ही मापते हैं, पर जो न्यूटन है ये आपका बल का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सबसे अलग होगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका होगा निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकांक सदिश का परिमाण होता है, एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो वो होता है एक। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो एक होता है, यानी वन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? सदिश राशि वो राशि होती है जिनके साथ साथ दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो इनमें से जो गतिज ऊर्जा है ये आपकी सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि आप देखेंगे गतिज ऊर्जा जो है इसमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सदिश राशि कौन सी है? इनमें से कौन सी राशि है जो कि सदिश राशि है? तो इनमें से जो वेग है ये आपकी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कोण क्या होगा? दो समान वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर जो हैं वो समान है, इस पर आपको ध्यान देना है। दो समान वेक्टर हैं और उनके परिमाण जो है बीच का वो शून्य है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो कोण जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो सदिशों के परिमाणी का मापांक निर्भर करता है, दो सदिशों के परिमाणी का मापांक निर्भर करता है, कहाँ निर्भर करता है? दोनों सदिशों के परिमाण पर और इसके साथ साथ दोनों सदिशों के बीच के कोण पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ए और बी दोनों, तो यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है सदिश परिमाण को। तीर की जो लंबाई जो होती है, जो कोई भी लिख करके मान उस पर एक ऐसा सिंबल लगाते हैं, तो ये दर्शाता है कि ये वेक्टर का मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इनमें से जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बल को देखेंगे तो बल किसी दिशा में ही लगाया जाता है, तो ये आपकी सदिश राशि होगी, और वेग के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था अभी, तो वो सदिश राशि था। इसके साथ साथ विस्थापन यहाँ पे होगा, विस्थापन भी आपका एक सदिश राशि है, पर जो आयतन है वॉल्यूम ये हमारा अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि वॉल्यूम यानी आयतन में किसी भी प्रकार से दिशा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है, दो सदिशों का परिमाण न्यूनतम होगा जब उनके बीच कोण हो, और कोण वो आर के बराबर हो, तो उनके बीच जो परिमाण होगा वो न्यूनतम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण हो। दो सदिशों के बीच जो परिणामी मान होगा वो अधिकतम होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि न्यूनतम होगा, पर यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतम होगा, तो अधिकतम की स्थिति में वो होगा शून्य के बराबर यानी जीरो। यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो विस्थापन क्या होगा। अगर किसी पत्थर को आप ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए वो किसी एच बिंदु तक, किसी एच ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद वो वापस उसी स्थान पर आता है, तो आप देखेंगे कि तो ये यहाँ पर था और वही स्थान पर वापस आ जाता है। यहाँ पे हमने आपको ऐसे बताया है ग्राफ पर, देखिए अगर आप किसी भी पत्थर को फेंकते हैं तो यहाँ पे आप फेंका आपने, ये आपकी एच ऊंचाई तक गई और ये वापस आपकी दोबारा यहीं पर आ गई, तो जो आपका विस्थापन होगा वो शून्य होगा, क्योंकि आपका जो पत्थर था शुरुआती में यहीं पर था और अंत में भी यहीं पर आ करके गिर जाता है, तो यहाँ पे शून्य होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, शून्य सदिश की दिशा होती है, शून्य सदिश की दिशा होती है क्या होती है। शून्य सदिश की दिशा होती है अनिश्चित, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समय अक्ष के समांतर रेखा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ की ढलान से ज्ञात करते हैं, तो चाल समय ग्राफ की ढलान से ज्ञात करते हैं पिंड का त्वरण यानी एक्लिरेशन। जब वस्तु समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। जब वस्तु समयांतरालों यानी समान अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उनकी गति जो होती है वो एक समान गति होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट नियत वेग से ऊपर उतर रही है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा, तो वो गिरेगा प्लस जी त्वरण से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा, त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपका नियत होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कॉन्स्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। एक वस्तु है जो कि एक समान वेग से चल रही है तो इसका एक्लिरेशन क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ए, बी दिया हुआ है शून्य और सी दिया हुआ है जी और डी है नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य। कोई वस्तु उस समय तक विराम अवस्था तथा अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों ये जो नियम है ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम भी है, प्रथम लॉ भी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जड़त्व। न्यूटन का जो प्रथम लॉ है, जो प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर और आपको न्यूटन का प्रथम लॉ भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे आधार पे कार्य करता है। जैसे कि आप रॉकेट का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि अगर बंदूक से निकलती हुई गोली का एग्जांपल ले लीजिए, जितना फोर्स गोली का आगे की तरफ लगता है उतना ही ज़्यादा झटका आपके पीछे की तरफ भी लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो दोनों पर समान बल आरोपित होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो वो आपका आधा हो जाता है। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आप आधा कर देते हैं तो उसका संवेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, एक किलोग्राम का भार होता है, एक किलोग्राम का भार न्यूटन में कितना होता है, तो वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण, तो आपने अभी पढ़ा ये न्यूटन का तृतीय नियम है गति का। स्वतंत्र गति के लिए वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण यानी एक्लिरेशन ज्ञात करते हैं। आपने ये तो फार्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो यही है आपका न्यूटन का द्वितीय गति का नियम।
एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है बल के प्रकार पर, यानी बल किस प्रकार का लगा रहे हैं वो निर्भर करता है कि मेज पर रखी जो वस्तु है या फिर कोई पुस्तक है तो उस पर घर्षण बल होगा वो कैसा कार्य कर रहा है। तो घर्षण बल जो होता है उसे हम एम से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इससे काफ़ी मदद मिले। अगला क्वेश्चन है, तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में भार तथा आयास होते हैं। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलकों की बात की गई है, तृतीय वर्ग के उत्तोलकों की। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में क्या होता है, भार तथा आयास जो होते हैं वो आलंब के एक ओर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बल का आघूर्ण कहलाता है। तो बल का आघूर्ण जो है वो किया गया कार्य ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, किया गया कार्य, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर होती हैं। समांतर बल की क्रिया रेखाएं जो होती हैं परस्पर समांतर ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पृथक वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? तो आप सभी अच्छे जानते हैं जो कैची है ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक ही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर है। लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होगा यदि, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होगा यदि फलक्रम भार एवं यान के बीच में हो। अगर ये कंडीशन आपका फॉलो होता है तभी लीवर का यांत्रिक भार जो होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा वो सदैव एक से कम होगा, यानी लेस देन वन होगा। ठीक है, तो ये आप प्रश्न समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कार्य की, कार्य की इसमें से कौन सी फिक्स होती है यही आपको बताना है। कार्य की केवल परिणाम होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, वाट घंटा, अर्ग या फिर जूल या फिर किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, इसे आप किलोवाट पर आवर के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न हमारा है, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौट कर पृथ्वी पर आ जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो स्थितिज ऊर्जा जो अधिकतम होगी वो होगी अधिकतम ऊंचाई पर, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है अधिकतम ऊंचाई पर, यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपको प्रश्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका हम आपको 100% रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ या फिर मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।